नमस्कार, आपने डिमांड की कि जो सीटेट का सिलेबस है वो अवेलेबल नहीं हो पा रहा हिंदी में से, तो पीडीएफ मेरे पास भी है, हिंदी का है। लेकिन अगर आप इंग्लिश ही पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है वो चीज़ें, आपने हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ी होगी। ये देखिए, इंग्लिश मीडियम की ये बुराई मैं नहीं कहूँगी, लेकिन ये है कि वो सिर्फ इंग्लिश में देता है, लेकिन जो हिंदी मीडियम की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आती। तो आपने वो चीज़ें देखी हैं, बस आपको समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको वहीं आज समझाने आ रहा हूँ कि जो बाल विकास का आपका पोर्शन है या शिक्षण का जो पोर्शन है, उसमें जो चीज़ें आपको नहीं पता चल पा रही कि वास्तव में है क्या, वो मैं आज आपको बताऊंगी कि वो क्या है और आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर पढ़नी है। कई चीज़ें आप खुद से भी पढ़ लेंगे, लेकिन वो चीज़ें भी यहाँ पढ़ाई जाएंगी, और कई चीज़ें ऐसी हैं जो अभी अब तक आपने नहीं पढ़ी। तो स्टार्ट करते हैं सिलेबस से। तो जो पहले तो हम जो देखेंगे सिलेबस सीटेट का, वो अगर प्राइमरी की बात करें या अपर प्राइमरी की बात करें, तो दोनों में जो बाल विकास का आपका सिलेबस है वो सेम है, लगभग सेम। तो हम देखेंगे कि इसमें हमें पढ़ना क्या है। तो पहला पॉइंट आप देखिए इसमें क्या दिया है, कि जो पहली यूनिट है चाइल्ड डेवलपमेंट, और उसमें ब्रैकेट में दिया हुआ है प्राइमरी स्कूल चाइल्ड। तो चाइल्ड डेवलपमेंट में आपके प्राथमिक विद्यालय, देखिए यहाँ जब ये 1 to 5 की बात करेंगे तो आपके दिमाग में कौन से बच्चे रहेंगे, प्राथमिक के, और 6 to 8 की बात करेंगे तो आपके कौन से बच्चे होंगे, उच्च प्राथमिक। इन्हें आप निम्न माध्यमिक भी कहते हैं, अलग अलग आपके नाम है विभिन्न जगह, जैसे आपके कॉन्वेंट स्कूल में भी है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आपके आने वाली हैं या क्या क्या चीज़ें आपको अलग से पढ़नी है, तो हम ये ध्यान रखेंगे कि हम कौन सा पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो जो पेपर हम अटेम्प्ट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि जो साइकोलॉजी का पोर्शन है उसके प्रश्न कहाँ से बनेंगे। जब हम 1 to 5 के जो बाल विकास को देखेंगे या शिक्षण को देखेंगे, तो हमारे दिमाग में जो बच्चे होंगे वो कौन से होंगे, प्राथमिक विद्यालय के, अर्थात 6 से 14 वर्ष का बालक, ठीक है। लेकिन यहाँ ये नहीं है कि उन्हीं की चीज़ें पूछेगा, यहाँ पे आप देखिए जन्म से ही क्या होता है, विकास आपका शुरू हो जाता है, और वो कब तक चलता है, आपकी मृत्यु तक। तो यहाँ पे क्राइटेरिया जो आपकी रखनी है, मैक्सिमम अगर पूछा तो किशोरावस्था, ठीक है, जन्म से किशोरावस्था का जो आपका पोर्शन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये नहीं कि आपको बाकी चीज़ें छोड़ देनी है, यहाँ पे आपको जो पढ़ना है वो मैं बता रही हूँ कि आपको किशोरावस्था तक के तो विकास की अवस्था आपको पता होनी चाहिए। तो जब आपका यहाँ पे आपका यूनिट दिया, उसमें फर्स्ट पॉइंट है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग, अर्थात आपका जो विकास का पूरा संप्रत्यय वो क्या है, अर्थात विकास क्या है, कैसे आया, उसमें क्या क्या है, और इसका अधिगम से क्या रिश्ता है, ये भी आपको जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अर्थात हम ये देखेंगे कि ये जो बालक है इसकी अपनी प्रक्रियाएं जो चल रही हैं उसके विकास की प्रक्रियाएं, और जो शिक्षा की उसको सिखाने की प्रक्रियाएं चल रही है वो अधिगम की प्रक्रियाएं। तो किस प्रकार विकास की अवस्थाओं और अधिगम का रिलेशनशिप है, ये आपका पहला पॉइंट है आपके फर्स्ट यूनिट का। दूसरा आपका जो पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, मतलब बच्चे के विकास का क्या क्या सिद्धांत, समझ में आया, बच्चे के विकास का अगर आप सिद्धांत देखें तो आपको पता होना चाहिए कि हर बच्चा एक तरह से नहीं विकसित होता। अगर आप देखें कि इसमें आपको पढ़ना क्या है, तो जो विकास के आपके सिद्धांत हैं ये आपका एक ऐसा पोर्शन है जो ये बताता है कि बच्चा जन्म लिया तो बड़ा तो होगा ही, लेकिन क्या सब एक जैसे बड़े होंगे, नहीं, कुछ का क्या होगा, आपको देखेंगे कि हाइट ज़्यादा है, मोटा है, पतला है, अर्थात कुपोषित है, या किसी नैतिक विकास नहीं हो पा रहा, उसका शारीरिक विकास नहीं हो पा रहा, मानसिक विकास नहीं हो पा रहा, या बहुत ज़्यादा विकसित हो जा रहा है। तो आप ये देखिए कि किस सिद्धांत, ऐसे कौन कौन से सिद्धांत जो बताते हैं कि बालक का विकास किस प्रकार होगा। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ तो विकास लिखा है, अभिवृद्धि दिखी नहीं रही, तो आप कहेंगे अभिवृद्धि छोड़ दो, अभिवृद्धि नहीं लिखा है सीटेट के सिलेबस में, तो इतनी बड़ी बेवकूफ़ी मत करिएगा, क्योंकि विकास में ही आपका क्या आता है, अभी
वृद्धि। तो अभिवृद्धि आपको देखना है इसमें, क्योंकि ये भी इसका क्या है, पार्ट। अगर जो सेलुलर मल्टीप्लिकेशन, जो आपके सेल्स मल्टीप्लाई होते हैं, अर्थात जैसे लंबाई बढ़ रही है, मोटे हो रहे हैं, या आपकी क्षमता बढ़ी, ये भी आप याद रखिएगा कि जो क्षमताएं बढ़ती हैं उसको भी अभिवृद्धि में रखते हैं। तो यहाँ पे इसमें अभिवृद्धि भी आएगी। तो देखिए इसके कौन कौन से सिद्धांत हैं, बहुत सारे सिद्धांत हैं। समान प्रतिमान सिद्धांत है, प्रतिगमन का सिद्धांत है आपका, जैसे एकाक। मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ, अभी मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, आप घबराइएगा मत, अभी बहुत सारी चीज़ें। मैं आपके दिमाग में ये स्ट्रक्चर बनाना चाहती हूँ कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। तो देखेंगे जैसे प्रतिगमन है ना, तो रिग्रेशन आपका जो होता है वो उसका सिद्धांत क्या कहता है, जैसे कहता है माता पिता बहुत ज़्यादा क्या है, इंटेलिजेंट है, वेरी गुड, ठीक, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो बच्चा क्या करेगा, बच्चे को अगर होना चाहिए तो बहुत इंटेलिजेंट होता है, होना चाहिए। लेकिन ये सिद्धांत बोलता है कि हमेशा वो साम्यावस्था, जैसे ये आपका मिड है और ये आपका मिनिमम, मतलब यहाँ से कम, ये औसत, ये ज़्यादा, तो दोनों ज़्यादा हैं तो वो क्या करेगा, बच्चा औसत की तरफ क्या करेगा, विकसित होगा। और या ये दोनों बहुत कम हैं तो ये भी औसत की तरफ, मतलब इनसे अच्छा हो सकता है। ये सिद्धांत कौन सा है, प्रतिगमन का सिद्धांत। इसी प्रकार जैसे समान, जैसे माता को पढ़ गए, पिता को पढ़ गए, या कोई कहता है कि माता पिता दोनों के गुण आते, या कोई कहता है कि आपका कई सिद्धांत है आपके, जैसे आपके परदादा का कुछ परसेंट, फिर आपके दादा का कुछ परसेंट, फिर आपके माता पिता का कुछ परसेंट, ऐसे करके बालकों में गुणाते हैं, तो इस प्रकार से वो विकसित होते हैं। तो जैसे हेरिडिटी का आपका जो सिस्टम है, वही आप समझेंगे कि विकास के सिद्धांतों में भी वो आएगा, क्योंकि विकास में ही तो आपकी हेरिडिटी और आपका वातावरण सब कुछ आता है, क्योंकि ये उसे इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। तो आप इसमें विकास के सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें ये देखेंगे कि विकास होने के कौन कौन से सिद्धांत हैं। जैसे आप अधिगम के सिद्धांत पढ़ते हैं, थार्नडाइक, पावलोव, तो देखते हैं कि अधिगम कैसे होता है। तो यहां विकास के जो सिद्धांत पढ़ेंगे तो देखेंगे विकास कैसे होता है। ये आपका अगला पॉइंट है। नेक्स्ट आपका है इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। देखिए आपका वही पॉइंट है जो मैं यहां पे बता चुकी, क्या वंशानुक्रम और वातावरण, इसका क्या प्रभाव होता है, इन्फ्लुएंस। तो आपको याद रखना है, कुछ लोगों ने कहा कि सबसे ज़्यादा प्रभावशाली वंशानुक्रम, सिर्फ वंशानुक्रम से सब कुछ होता है। कुछ कहते हैं वातावरण सब कुछ है, जैसे वाटसन का नाम याद है ना, ठीक है, वंशानुक्रम वाले में मेंडल वगैरह आते हैं सारे, आपके आपने कई सिद्धांत पढ़ेंगे, आपका डार्विन है, लेमार्क है, तो देखा होगा आपने कि इनके अलग अलग महत्ताएँ बताई गई हैं, ठीक है। तो कोई कहता है सिर्फ ये, कोई कहता है सिर्फ ये, और कोई कहता है ये दोनों, और वास्तविकता ये है कि ये दोनों इफेक्ट करते हैं। लेकिन हमें ये देखना है कि किस प्रकार वंशानुक्रम प्रभावित करता है, किस प्रकार वातावरण प्रभावित करता है। अलग अलग पढ़ेंगे तो हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करके, मतलब विभेदीकरण करके पढ़ेंगे कि वातावरण ऐसा है तो ऐसा बच्चा विकसित होगा। मतलब आप देखते हैं कि बच्चा, अब कहेंगे कि बढ़ रहा है तो अपने से बढ़ेगा ना, लेकिन देखते हैं कि वो लटकता है, एक्सरसाइज करता है तो बढ़ जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, वातावरण उसको इन्फ्लुएंस करता है। तो ये बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का क्या आपका प्रभाव है, ये अभी आपका एक पॉइंट है। नेक्स्ट आपका है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सोशल आपका एनवायरनमेंट है उसके बारे में है, समाजीकरण, ठीक है, जो समाजीकरण होता है उसका प्रोसेस क्या क्या है, और सोशल वर्क्स एंड चिल्ड्रन, टीचर, पेरेंट्स, पीयर। देखिए इसमें जो आपको समझना है क्या है, तो समाज में ही क्या होता है, बच्चा होता है, जैसे ये जॉन डेवी ने कहा है कि विद्यालय समाज का अलग रूप है, क्यों कहा, कि हर समुदाय से बच्चा आता है, ठीक है। तो ये समाज जो है, कई समुदाय होते हैं इसमें, और उस समुदाय में कई व्यक्ति होते हैं, ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। तो हमें ये समझना है कि ये जो प्रोसेस है समाजीकरण का, सोशल जो आपकी चीज़ें हैं, समाजीकरण की चीज़ें हैं, वो किस प्रकार से हैं, और क्या क्या चीज़ें इसमें आपको प्रभावित करती हैं, या इसका क्या रोल है। जैसे बंडूरा का सिद्धांत आपने पढ़ा, तो उन्होंने क्या किया, समाजीकरण को एक्सेप्ट किया ना, कि हाँ सूज भी है, आपका बिहेवियर भी है, व्यवहार भी है, लेकिन क्या है, समाज भी है। तो यहाँ समाजीकरण से रिलेटेड ये आपका पोर्शन है, बोला गया है सोशलाइजेशन प्रोसेसेस, सोशल वर्ल्ड, मतलब आपका सामाजिक जो आपका विश्व है, और बच्चा, टीचर, पेरेंट, पीयर। पीयर से अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो पीयर लर्निंग आपने सुना होगा, ये क्या है, सहभागिता को कहते हैं। तो समाज है तो दो या दो से अधिक लोगों से ही तो समाज बनता है, तो वहाँ पर सहभागिता का क्या रोल है, ये भी आपको समझना है। अर्थात
अभी हम एक बच्चे का पढ़ रहे थे ऊपर इंडिविजुअल विकास, तो विकास के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, तो हम कई लोगों का अध्ययन करेंगे कि जो समाज होता है उसका क्या आपका रोल होता है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है उसमें देखिए जो सिद्धांत आपको पढ़ने हैं, पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, तो इनका जो कंस्ट्रक्ट है और क्रिटिकल आपका पर्सपेक्टिव है, विवेचित आपके जो पक्ष हैं उनको पढ़ना है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके कौन कौन हैं? पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग। कोहलबर्ग को भी पढ़ना है आपको, ये कोहलर नहीं है, कोहलबर्ग है, ठीक है। तो पियाजे को आप जानते ही हैं, तो इनका दो चीज़ आपको पढ़ना है क्या, एक तो विकास, विकास में चार अवस्थाएं, ठीक है, संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूत संक्रियात्मक और आपका औपचारिक संक्रियात्मक, ठीक है, उसकी एज और उसके जितने आपके वो होते हैं क्या क्या विशेषताएं होती हैं उसको पढ़ना है। साथ ही साथ शिक्षा के लिए इन्होंने क्या कहा है, जैसे संगठन करता है, अनुकूलन करता है, तो वो सब चीज़ें भी इनकी पढ़नी है। वाइगोत्स्की का भी आपने पढ़ा, ZPD वाला है ना, वो भी आपको पढ़ना है। उसमें इन्होंने भाषा चिंतन का भी सिद्धांत है, उसको भी आपको पढ़ना है। फिर कोहलबर्ग जो है वो कोहलर सूझवादी थे, कोहलबर्ग ने नैतिकता का सिद्धांत दिया, जिसके स्टेज आपके थे तीन पार्ट में किया, फिर उसको तीन तीन पार्ट में किया, तो इस प्रकार से इनका भी सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल ये पूछा जाता है और अलग अलग तरीके से पूछा जाता है और मैक्सिमम लोग गलत कर देते हैं। बड़ी बहुत ज़्यादा देखिए आपको विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि टॉपिक उतने ही और हर साल वो ऐसे प्रश्न बनाते हैं कि आप गलत करके चले जाते हैं, जैसे वहाँ आपको लगता है आपने सब सही किया है, आपका हो जाएगा। सीटेट ऐसा एग्ज़ाम है जिसको देने के बाद इंसान ये कंफ्यूज रहता है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है, जब तक आंसर की नहीं आती। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि यही बात है कि उतनी ही चीज़ों में से हर बार नए नए प्रश्न बनाए जाते हैं और प्रश्न रिपीटेड नहीं होते। इक्का दुक्का हुआ होगा तो हुआ होगा, तो मैंने तो ऐसा कोई केस नहीं देखा कि बार बार कोई प्रश्न आपके रिपीट किया। हाँ, टॉपिक तो वही है भाई, तो टॉपिक तो वहीं से आएगा, लेकिन आपको ये देखना है कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा चुके हैं इनसे रिलेटेड और क्या पूछे जाने की संभावना है। प्रीवियस पेपर आप सॉल्व करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और क्या संभावित क्षेत्र है जो बच रहा है, ठीक है। इसी बार आपका प्राइमरी वाले में पूछा था ना कि हाँ कौन सी इसकी विशेषता ने एक अवस्था दिया हुआ था, तो इस प्रकार से इसमें प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर। तो बाल केंद्रित तो सब सुना होगा, कहेंगे बहुत इजी है, इसमें तो कुछ पढ़ना है, सब जानते हैं। अरे भाई, यही तो है वो चीज़ जो आपके प्रश्नों को सही या गलत करने के लिए जिम्मेदार बनाती है। आप तो अपना सोचते हैं मैं अच्छा टीचर हूँ, मैं ऐसा करूँगा, बच्चा नहीं सीखेगा, कैसे नहीं सीखेगा, मैं सिखाऊंगा। अरे यह आपको बाल केंद्रित है, सब कुछ है वहीं, बालक आप उसके लिए वहाँ गए हैं और उसके हिसाब से आपको सोचना है। तो बाल केंद्र शिक्षा और प्रगतिशील, ये जो प्रोग्रेसिव आपका लर्निंग है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें DV वगैरह का भी आपका सिद्धांत आएगा, क्योंकि कई लोगों ने कहा, बहुत सारे लोगों ने प्रगतिशील शिक्षा की बात की, तो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन है एक ही चीज़ कि किस प्रकार से विकसित मतलब प्रगति की ओर उनको उन्मुख करना है, ऐसा आपका एक एनवायरनमेंट जो प्रगतिशील शिक्षा व्यवस्था को और ज़्यादा प्रोत्साहित करे, वही हमको पढ़ना। वो भी क्या प्लस इसमें रखेगा, ये अलग नहीं है, ये दोनों क्या है, प्लस है, बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा, यही मेन आपका कॉन्सेप्ट ही है कि इन्हीं से रिलेटेड आपके जो जितने भी परिस्थितिगत प्रश्न आते हैं वो सारे आते हैं। नेक्स्ट है आपका जो है क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, उसमें बुद्धि जो है, मेरे पास जो नहीं है, हाँ यही एक चीज़ की कमी है मेरे पास, इसलिए इसको मैं एक्सेप्ट करती हूँ। बुद्धि जो है वो आपकी पूछी जाएगी, तो इसमें ये है बुद्धि क्या है, बुद्धि की ये परिभाषाएं, तो अक्सर देखा होगा कि परिभाषा आपको रेयरली दिखा होगा प्रश्नों में इनके, है ना, लेकिन यहाँ हमें क्या इनके सिद्धांत देखने हैं कि किसने क्या सिद्धांत दिया, वो आपका कौन सी सामाजिक बुद्धि के प्रतिपादक कौन है और कौन सी चीज़ें हैं बुद्धि में, किसने क्या क्या कहा और क्या रोल है इसका मानव में और या इसी विकास में, ये बुद्धि का विकास भी होता है जिसे मानसिक विकास में कहते हैं ना, तो वो सारी चीज़ें भी इसमें आएंगी।
फिर जैसे आपका मल्टी डायमेंशनल आपका इंटेलिजेंस हुआ, गिलफोर्ड का है आपका क्यूब वाला, याद आ रहा है कुछ? सब पढ़ा हुआ है आपने, कुछ नया नहीं पढ़ना है यहाँ, बस आपको रिवाइज करना है। और रिवाइज वैसे नहीं कि आपको चार पे छापना था वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका कि हाँ क्या क्या चीज़ें हैं। तो आपको बुद्धि ही पढ़नी है, तो बुद्धि कोई किसी को दे नहीं सकता, बुद्धि जन्मजात है। लेकिन यहाँ हमें ये जानना है कि हाँ बुद्धि क्या होती है। भाई आपको बच्चे को पढ़ाना है तो आपको पता होना चाहिए ना, क्योंकि ऐसा ना एक पक्ष ही है, मानसिक विकास भी है और इसको भी विकसित आपको करना है। फिर नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, बहुआयामी आपका जो इंटेलिजेंस है मल्टी डायमेंशनल। देखिए इसे दिया नहीं हुआ है, लेकिन मुझे जहाँ तक याद आ रहा है गार्डनर ने इसको दिया हुआ है ना। और तो गार्डनर का अलग से उसमें एक पॉइंट दिया, तो जरा उनको आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक तो इंटेलिजेंस और एक मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस। तो मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस इस बार भी प्रश्न पूछा गया था आपका सीटेट के फर्स्ट पेपर में, तो इम्पॉर्टेंट है आपका और आपको इसको अध्ययन करना है कि मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस क्या होता है। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है लैंग्वेज एंड थॉट, क्या होता है भाषा और चिंतन, भाषा और चिंतन। तो भाषा और चिंतन में क्या पढ़ना है? अरे भाई भाषा अलग से एक पढ़ना है, भाषा अलग से दो पढ़ना है, उसका शिक्षण एक पढ़ना है, उसका शिक्षण दो, यहाँ क्यों घुसा दिया? तो यहाँ आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपको इतना पता होना चाहिए कि भाषा क्या है, चिंतन क्या है, ठीक है? और भाषा और चिंतन में क्या रिलेशनशिप है? जैसे कोई कहता है भाषा पहले आती है चिंतन बाद में आता है, कोई कहता है चिंतन पहले होता है भाषा बाद में होती है, कोई कहता है दोनों साथ में एकदम अंतक्रिया करके आते हैं। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि भाषा और चिंतन में क्या रिलेशनशिप है, पर्टिकुलर इंडिविजुअल ये क्या है और इनके बीच क्या रिलेशनशिप है। क्योंकि भाषा जो होती है अभिव्यक्ति का माध्यम होती है, और चिंतन आपकी मानसिक एक आपकी संक्रिया होती है, तो इन दोनों का रिलेशनशिप तो है ही। इसी से आपकी चीज़ें, आपके मन की जो बातें होती हैं, जो आपके इमोशंस होते हैं, वो बाहर आते हैं। और यहाँ पे हमें देखना है कि बच्चे के लिए, अब देखिए फिर भटक जा रहा है बार बार, अब भटकिएगा मत। यहाँ एक अगर प्राइमरी कर रहे हैं तो प्राइमरी के बच्चे के लिए, अपर प्राइमरी कर रहे हैं, लाइट भी आ गई, अच्छी चीज़ बोली मैंने, है ना। तो अपर प्राइमरी की बात करेंगे तो अपर प्राइमरी के लिए भी क्या क्या चीज़ें हैं कि भाषा और चिंतन का क्या रोल है। तो बच्चे को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाषा ये, चिंतन ये, भाषा और चिंतन में ये रिलेशनशिप है, ये पर्टिकुलर एक टॉपिक है। तो इसको इसकी एक आपको एक लेक्चर आपको इसका एक मिलेगा। नेक्स्ट है आपका जेंडर एज अ सोशल कंट्रैक्ट, आ गए अपनी बात पे। तो बहुत लंबा चौड़ा भाषण है इस पर, मैं नहीं दूंगी क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा, कहेंगे सिलेबस बताने आई थी और बकवास करके चली गई, पता नहीं कितना जो है इनको, जाने दीजिए कुछ नहीं कर रहा ये। यहाँ पे जो जेंडर, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपकी, किस दृष्टि से, ये सामाजिक जो लैंगिक विभेद है आपका, जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। तो अभी नहीं हो रहा, आप शायद नई सदी में, आपका सौभाग्य है, आप बहुत अच्छी समय में आप पढ़ लिख रहे हैं कि हाँ अच्छा अच्छा हो रहा है। मैंने देखा है पहले भ्रूण हत्याएं होती थी, बच्चियों को नहीं पढ़ाया जाता था, कक्षा 5 में शादी कर दी जाती थी, कक्षा 4 में शादी, मेरे साथ वालों की शादी कर दी गई थी। मतलब मैं तो बहुत बहुत बाबा आदम के ज़माने की नहीं हूँ, लेकिन हाँ मेरे साथ की कक्षा 5 की लड़की, मेरी फ्रेंड, उसकी शादी उनके माँ बाप ने भी कर दी थी। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, तो आप देखिए कि ये क्या है जो लैंगिक विभेद। तो इसमें आप जानते हैं कि 3 आपके मुख्य हैं, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। तो यहाँ हम सिर्फ मेल फीमेल में जो लैंगिक विभेद है सामाजिक रूप से, उसका अध्ययन हमको करना है। जैसे आप समझिए इस बात को, जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर रोल्स, जेंडर बायस एंड एजुकेशन प्रैक्टिस। मतलब यहाँ एक पॉइंट आप देखिए, जेंडर बायस, ये पूर्वाग्रह जो है ये माना जाता है कि लड़के ज़्यादा अच्छी मैथ लगाते हैं। अक्सर देखते होंगे कि जो लड़के होते हैं IIT के टॉपर होते हैं, है ना, और जो ये आपके एग्ज़ाम होते हैं 12th वगैरह के, आजकल लड़कियां टॉप करी। तो ये आपका पूर्वाग्रह बन गया है कि हाँ लड़कियां ऐसी होती हैं, लड़कियां ऐसे तेज़ होती हैं इस प्रकार से, और लड़के उस प्रकार से तेज़ होते हैं। जैसा ऐसा कुछ नहीं होता,
यही समझने की बात है, क्योंकि यहाँ सिर्फ उस समय नहीं जब आपने एक क्लास में एक जैसा पढ़ाया, यहाँ वो जब से चली आ रही हैं वो क्या झेल के यहाँ आ रही हैं उसकी भी बात है, तो आपको वो सब भी चीज़ें समझनी है। तो यहाँ जो लैंगिक आपका मुद्दा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें सीटेट ने इसको मद्देनजर रख के इसको एक पॉइंट बनाया है। अब आपको ये समझ, एक पूरा पेपर है बीएड का जेंडर स्टडीज़, तो और भी आपने जो भी एजुकेशनल एग्ज़ाम दिए होंगे कई जगह जेंडर का बहुत इशू है, अलग से इस पर आपके कोर्सेज चलाए जाते हैं क्योंकि बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। और अब तो बहुत ज़्यादा सरकार प्रोत्साहित कर रही है लड़कियों को, बहुत सारी स्कॉलरशिप्स मिल रहे हैं, हर चीज़ मिल रहा है, लेकिन ये मुद्दा बना हुआ है कि दिमाग में आपके जब तक ये विभेद है कि लड़का और लड़की अलग है। देखिए कुछ चीज़ें तो नेचुरल है कि हाँ कुछ चीज़ें लड़के और लड़कियों को अलग करती है, लेकिन आप एक समावेशी शिक्षक होके जब एक दिव्यांग और सामान्य को अलग नहीं मान रहे हैं तो आप लड़के और लड़की को क्यों अलग मान रहे हैं? तो ये सब चीज़ें हैं, तो यहाँ पे ये इशू है, और इस ज्वलंत इशू को सीटेट ने अपने सिलेबस में ब्रॉडली जगह दी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सामाजिक आपका ये प्रक्रम है उसमें जेंडर का क्या रोल है और क्या पूर्वाग्रह है और शिक्षा में ये कैसे प्रभावित करता है, ये आपका पॉइंट है। फिर है इंडिविजुअल डिफरेंस एमंग लर्नर, ये आपने हमेशा देखा है, हर जगह ये पूछता है और कहेंगे ये तो बहुत कॉमन चीज़ है, व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता वह है जो प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से भिन्न बनाती है, बस बात खत्म। यहाँ हर बच्चा एक दूसरे से भिन्न है, क्या रीज़न है? एनवायरमेंटल है कि आपका हेरिडिटी है कि पर्टिकुलर कंडीशंस हैं कि आप हैं तो माता पिता हैं, तो ये भिन्नता होती है वो सब में होती है, एक ही माँ के दो संतानें एक जैसे नहीं होती है। मैं बार बार बोलती हूँ कि जुड़वा भी हुई तो कोई ना कोई डिफरेंस उसमें होता है, तो ये चीज़ें हैं आपकी, तो ये भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर जानेंगे नहीं बच्चा भिन्न है, पढ़ाना तो भाई हर एक एक बच्चे को एक एक टीचर पढ़ाएगा तो इतने टीचर कहाँ से लाएंगे, इसीलिए आपको समायोजन करना सिखाया जाता है कि बच्चों के साथ कैसे करना है। और वही चीज़ यहाँ भी प्रश्न में समायोजन ही करवाता है कि देखो क्या आप एडजस्ट कर सकते हो, तो अगर आप कर लिए तो सीटेट क्वालिफाई, नहीं कर लिए तो क्या, फिर अगली बार जाइए एग्जाम देने। तो इस प्रकार से आपका ये पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, भाषा की विविधता, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। उसके अलावा आपका जो पॉइंट है कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी, रिलीजन, जो आपका धर्म है, आपका समुदाय है, जेंडर है, जाति है, और ये डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, जरा सा इस पर थोड़ा सा बात करने दीजिए हमको थोड़ा सा समय, और भाषाई विविधता। ठीक है, भाषाई विविधता क्या है? मेरी भाषा आपसे अलग, तो पता चला मैं हिंदी बोलती हूँ, आप भी हिंदी बोलना जानते हैं लेकिन आप इंग्लिश बोलते हो, तो ये विविधता नहीं कही जाएगी। भाषाई विविधता वो विविधता है जब एक आपकी लैंग्वेज उसकी लैंग्वेज अलग, तो विविधता के लिए आप देखिए कि क्या क्या कंडीशंस होते हैं। जैसे वो अपनी मातृभाषा लेके विद्यालय में एंटर कर रहा है और इस प्रकार से आपका बहुत सारी चीज़ें उसको इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है, तो आपको ये जानना पड़ेगा कि भाषाई विविधता क्या है और इस बेस पे किस प्रकार से हमें शिक्षा देनी है। ये इंडिविजुअल में है डिफरेंसेस में, तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है भाषाई विविधता। जैसे बहुभाषी कक्षाएं आपकी होती है या ऐसे ट्राइबल एरिया में आप जाते हैं जहाँ की भाषा एकदम डिफरेंट है, तो पूछता है ऐसे समायोजन करेंगे कैसे करेंगे, आपको नहीं आती उनकी भाषा, संकेत से पढ़ाएंगे, कितनी चीज़ें संकेत से पढ़ाएंगे। तो बहुत सारे इसके इंस्ट्रूमेंट है, आपको जानना है कि किस प्रकार से भाषाई विविधता में बच्चों को एडजस्ट आपको करना है। नेक्स्ट आपको पॉइंट है डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, अर्थात अधिगम के लिए और अधिगम का, दोनों का आकलन, इसमें क्या अंतर है। स्कूल बेस्ड असेसमेंट किस प्रकार से आकलन किया जाता है विद्यालयों में, और कंटिन्यूस एंड कंफ्रेंसिव इवेल्युएशन, ये जो CCE है उसकी बात कर रहा है, तो ये इसका क्या रोल है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन हमने पढ़ा है तो उसी के बारे में ये पूछ रहा है। ठीक है, उसके बाद ये भी आपको एक पूरा मूल्यांकन का चैप्टर है तो आपको पढ़ाना है। फिर फॉर्मुलेटिंग अप्रोप्रिएट क्वेश्चन फॉर असेसिंग रीडनेस लेवल ऑफ लर्नर,
मतलब आपको यहाँ पे ये देखना है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो असेसमेंट में यूज़ होंगी। देखिए ये पूरा पॉइंट जो मैंने देखा इसमें अभी को देखा है ना, क्योंकि मुझे आपको यहाँ डिस्कस करना था, अभी मेरे पास सिलेबस है, तो ये जो पॉइंट है आपको ये बताना किस प्रकार से क्वेश्चन बनाना है, किस प्रकार से एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का आपको मूल्यांकन करना है, आकलन करना है, किस प्रकार से उस ये जानना है कि बालक ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति की या नहीं की, या की तो किस स्तर पे की, किस लेवल तक की, हम कैसे और उसको प्रोग्रेसिव बनाएं। मतलब यहाँ पे जो पॉइंट है वो पूरा पूरा मूल्यांकन और आकलन से रिलेटेड है। आकलन मूल्यांकन दोनों अलग चीज़ है, यहाँ दिमाग में बैठा लीजिए। एक तो होता है आपका टेस्टिंग परीक्षण, फिर आकलन मूल्यांकन, तो बहुत सारी ये सारी डिफरेंट चीज़ें हैं। तो और आपने जैसे फॉर्मेटिव असेसमेंट पढ़ा होगा, समेटिव असेसमेंट पढ़ा, तो ये सारी चीज़ें भी इसमें आ जाएंगी। इसके अलावा आपका जो पॉइंट है नेक्स्ट, इसमें आप किस प्रकार से बच्चों के जो चिंतन है उसको आप असेस करेंगे, मतलब उसको उसका आकलन करेंगे। तो आपके जो क्रिटिकल जो एनवायरमेंट है बच्चों के माइंड का हो या क्लास का हो, यहाँ असेसमेंट से मतलब आकलन से ही आपका ये परिप्रेक्ष्य रहेगा कि किस प्रकार से आप जानेंगे कि हमारा उद्देश्य कितना पूरा हुआ, बच्चा कहाँ पे है, और विद्यालय या शिक्षा का जो उद्देश्य है वो किस लेवल तक पहुँचा है। तो यहाँ पूरा जो ये पॉइंट है ये आपका असेसमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है सेकेंड यूनिट में, तो वो है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या इसमें पढ़ना है। ये 5 नंबर का पोर्शन है आपका पूरा, 5 नंबर आपके क्या करने हैं, समावेशी शिक्षा से आने। तो समावेशी शिक्षा में आपको क्या क्या पढ़ना है, एड्रेसिंग आप लर्नर्स फॉर डाइवर्स बैकग्राउंड, ठीक है, इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज्ड एंड डिप्राइव्ड, मतलब डिप्राइव्ड मतलब अवसर वंचित और डिसएडवांटेज, जो मतलब जिनको एडवांटेज नहीं मिला है वो कौन सा है, गैर लाभप्रद स्टूडेंट्स की बात की गई है। तो समावेशी शिक्षा तो आप जान रहे थे, एक दिव्यांग वाले भी आ गए इसमें, कास्ट जो डिप्राइव्ड हैं, जो अवसर नहीं पाए या जिनको लाभ नहीं मिल पाया, दूरस्थ हैं, गांव में हैं, ऐसे एरिया में जहाँ पे शिक्षा नहीं, तो उनको कैसे आप समावेशी शिक्षा देंगे। फिर है आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है, एड्रेसिंग द नीड ऑफ चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिफिकल्टीज। ये लर्निंग डिफिकल्टी वही है, क्या है, अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता क्या है, आपने देखा है डिसलेक्सिया, डिसप्रेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, ये सारी चीज़ें जो बच्चे के अधिगम को प्रभावित करती हैं, ऐसी जो आपकी कमियां होती हैं, तो आप उनको देखेंगे कि क्या होता है, किस प्रकार के इनके सिम्टम्स होते हैं और किस प्रकार से इनको शिक्षित किया जाएगा। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है ये है एड्रेसिंग द टैलेंटेड क्रिएटिव सोशली एबल्ड स्पेशली एबल्ड लर्नर्स, ठीक है, एड्रेसिंग द टैलेंटेड, टैलेंटेड मतलब क्या है, मेधावी, फिर क्रिएटिव सृजनशील, फिर स्पेशली एबल्ड अर्थात विशिष्ट प्रतिभावान, उसमें कोई भी हो सकता है, विशिष्ट प्रतिभावान अलग होते हैं और सृजनशील बालक अलग होते हैं। सृजनशील मतलब जिसमें क्रिएट करने की क्षमता होती है, और विशिष्ट जो प्रतिभावान होते हैं वो क्या होते हैं, इनके अंदर कोई विशिष्टता है ना, विशिष्ट चीज़ में प्रतिभावान है ना, तो दोनों में थोड़ा सा बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आपको ये देखना है कि हर बैकग्राउंड से जो बच्चा है उसको समावेशी शिक्षा कैसे देनी है। पूरे 5 नंबर का पोर्शन है आपका, और आपको इसको इतने बहुत ही डीपली अध्ययन करना है कि किस प्रकार से हम उसको शिक्षित करेंगे एक ही कक्षा में, उनकी जो आवश्यकता है पूर्ति करते हुए, किसी की भी शिक्षा को बाधित किए बिना दूसरे को भी सर्वांगीण विकास के लिए उन्मुख बनाना ही समावेशी शिक्षा का क्या है, मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट आपका है लर्निंग एंड पेडागॉजी, ठीक है, अधिगम और जो आपका शिक्षण शास्त्र, उसमें भी आप जो पोर्शन है आप देख लीजिए, हाउ चिल्ड्रेन थिंक एंड लर्न, बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं, हाउ एंड वाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस, विद्यालय में जो उनका परफॉर्मेंस है उसमें बच्चे कैसे असफल होते हैं, ये भी आपको जानना है। फिर है आपका बेसिक प्रोसेसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, ठीक है, जो शिक्षण है और अधिगम है इसके क्या मूलभूत आपकी प्रक्रियाएं हैं, चिल्ड्रन स्ट्रेटजी, बच्चे कैसे सीखते हैं,
ठीक है, चिल्ड्रन स्ट्रेटजी ऑफ लर्निंग, बच्चे कैसे सीखते हैं, लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी, मतलब शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में। फिर है सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग, मतलब ये जो सामाजिक संदर्भ है शिक्षा का या सीखने का वो क्या होता है। नेक्स्ट है आपका चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर, मतलब एक समस्या समाधान करता, एंड अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, मतलब एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बच्चा कैसा है। फिर है अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस, मतलब वैकल्पिक संकल्पना क्या होती है ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रेन, मतलब जो सीखने की वैकल्पिक संकल्पना है बच्चों में वो क्या होती है। अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रेंस एरर, मतलब बच्चों की त्रुटियों को समझना एज अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन द लर्निंग प्रोसेस, मतलब सीखने के महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बच्चों के एरर को समझना। कि ट्रायल एंड एरर मेथड आपने थर्ड का पढ़ाया, देखिए यहाँ पे इसमें कैसे बताया गया कि एरर भी इम्पॉर्टेंट है, एरर भी एक महत्वपूर्ण स्टेप है आपका सीखने का। फिर आपका कॉग्निशन एंड इमोशन, मतलब बोध एवं संवेदनाएं, मोटिवेशन एंड लर्निंग, अभिप्रेरणा और अधिगम, फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग, मतलब अधिगम में जो सहयोगी या आपको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, पर्सनल एंड इन्वायरमेंटल, मतलब आपका व्यक्तिगत कारण और पर्यावरणीय कारण, ये कुल मिला जुला के यहाँ सब कुछ इम्पोर्टेंट। आपका एक बच्चा है और बच्चे के ही अनुरूप आपको सब कुछ करना है और बच्चे को ही सिखाना है बाल केंद्रित रूप से, प्रगतिशील रूप से, समावेशी प्रक्रम में, सबको साथ लेके, सबकी आवश्यकताओं को ध्यान में रख के, सबको सर्वांगीण विकास की ओर उन्मुख रखना है, साथ ही साथ सब पक्षों का ध्यान रखना है, बुद्धि का, मानसिक, शारीरिक, आपका जो आध्यात्मिक है उसको भी ले सकते, क्यों नहीं ले सकते। राष्ट्रीय मूल बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, याद रखिएगा कोठारी कमीशन, आपके मुदारे कमीशन बहुत ही ब्रॉडली इसका नेतृत्व की क्षमताएँ, बहुत सारी चीज़ें, तो इस सबको ध्यान में रख के आपको इस सिलेबस को स्टडी करना है। एक एक पॉइंट आपका कोई छूटने ना पाए, क्योंकि हर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस पेपर आप सॉल्व करिए और आगे देखिए कि आपको किस प्रकार से रणनीति बनानी है पढ़ने की। कुछ लोग कह रहे थे कितना पढ़ें, तो याद रखिएगा पढ़ना घंटे पे नहीं आपके डिपेंड है, पढ़िए आप एक घंटे ही, लेकिन मन से पढ़िए, रुचि लेके पढ़िए, सही तरीके से पढ़िए, एक घंटे काफ़ी, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोग बहुत बिजी रहते कैसे पढ़ेंगे, और आप 8 घंटे में पढ़ेंगे तब भी ज़रूरी नहीं है कि आप क्वालिफाई हो जाए कोई भी एग्ज़ाम। क्यों? आपने स्ट्रैटेजी अगर नहीं बनाई तो आपको खुद ही नहीं पता आएगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। हम एक बुक उठाए, हम इसको ख़त्म कर लेंगे तभी दूसरे पे चलेंगे। अरे भाई, हर चीज़ पढ़नी है, आपका भी इंटरेस्ट लेवल है, वो भी रुचि का जो लेवल है वो गिर सकता है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो इफ़ेक्ट करती हैं आपके लर्निंग को, और आपको भी समझ के ही चलना है, आपको समझ के ही पढ़ना है, क्या ज़रूरी है वहीं पढ़ना है। सिलेबस से इतर मत जाइएगा, सिलेबस से ही आएगा, लेकिन सिलेबस भी बहुत ब्रॉड है, क्योंकि देखिए इसका क्षेत्र बहुत विशाल है, क्योंकि शिक्षा का क्षेत्र हमेशा व्यापक होता है, तो आपको समझने की पूरी पूरी ज़रूरत है कि हमें किस प्रकार से कम समय में ज़्यादा चीज़ें समझनी है, रटनी नहीं है। यहाँ रटने के चक्कर में गया, एकदम गए, कुछ चीज़ें तो रटना ही पड़ेगा, जैसे अब इतना 0 से 2, 2 से 4, ये वर्ष वो वर्ष, ये नाम वो नाम, तो ये रटना नहीं है, ये आपको जानना है, ठीक है। अगला जो है आपको समझना है और चिंतन करना है कि हम क्या करें कि हमारे अंदर एक डेवलप हो जाए शिक्षक। तो जब आपके अंदर एक अच्छा शिक्षक डेवलप हो गया तब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सीटेट आप आराम से क्वालिफाई हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ यही देखता है कि आप सीटेट में यही देखा जाएगा कि आप शिक्षक बनने लायक हैं कि नहीं। तो बहुत अच्छे से तैयारी करिए, रेगुलर पढ़िए, ये नहीं कि आज 8 घंटे पढ़े कल ना पढ़े, तो आज 1 ही घंटे पढ़िए, कल भी 1 घंटे पढ़िए, अब बहुत टाइम है, आप पढ़िए हर सब्जेक्ट को टाइम नहीं, ये नहीं कहिए मेरा ये सब्जेक्ट रहा है मुझे नहीं पढ़ने की जरूरत। अक्सर हम मैथ के हैं, हम कभी मैथ छू के नहीं जाते, और अक्सर कई प्रश्न ऐसे गलत हो जाते हैं कि लगता है अरे बाप रे ये तो हमें आ रहा था। तो ऐसा ना करिएगा कि आपका पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट है तो आप उसको गलत करके चले आइए, तो उसमें आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, वो ज़्यादा स्कोरिंग है आपका। साथ ही साथ शिक्षण इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, शिक्षण की बहुत सारी चीज़ें जैसे भाषा शिक्षण, गणित, पर्यावरण, साइंस, सोशल साइंस, तो ये शिक्षण भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, क्या क्या इसमें पढ़ना है, तो शिक्षण कैसे करना है, विधियाँ क्या हैं, क्या प्रकृति है सब्जेक्ट की, उस पर डिपेंड करता है। देखिए हर शिक्षण एक नहीं होता, भाषा अलग, गणित अलग, पर्यावरण अलग, सोशल साइंस अलग, तो हर शिक्षण को आप को उसके सब्जेक्ट के नेचर के हिसाब से पढ़ना है और बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ना है, और आप एकदम निश्चिंत हो जाइए कि यदि आपके अंदर कैपेसिटी है समझने की, चिंतन करने की, और आप रट नहीं पा रहे हैं,
तो भी आप क्या करेंगे, सीटेट क्वालिफाई हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ सिर्फ समझना ही है। पर्टिकुलर कोई सिचुएशन दे दिया, पर्टिकुलर कोई एग्जांपल दे दिया, किसी बच्चे का कंडीशन रख दिया, किसी टीचर का, कोई आप देखिएगा, कोई अगर चीज़ पूछता है ना तो उसमें किसी का सिद्धांत छुपा होता है। आप सिद्धांत अलग से पढ़े होते, कहते इस सिद्धांत से आया नहीं, पता चलता है वो जो एनवायरमेंट दिया हुआ है, वो जो प्रैक्टिकल चीज़ दी हुई है, जो आपका कंडीशन दिया हुआ है, वही क्या होता है, वही आपका कोई ना कोई सिद्धांत से ही मोटिवेटेड होता है या उस सिद्धांत का इंक्लूजन उसमें होता है। तो यहाँ आपको बहुत ही सी चीज़ें समझनी है और एक एक करके अगर आप पढ़ेंगे तो कोई चीज़ अगर छूटी नहीं तो आप भी इस बार क्वालिफाई होने से नहीं छूटेंगे। हाँ, किसी भी चीज़ को ऐसा मत समझिए कि हम मुझे बहुत आता है या हमको एकदम नहीं आता। हर चीज़ किसी किसी कोई ना कोई कभी ना कभी बिगनिंग करता है, और आप भी करने जा रहे हैं जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आप ये देखें कि जो चीज़ें आपकी एकेडमी में पढ़ी गई है, जैसे BTC में, बीएड में, उसको आप एकदम एक बार ऐसे ही रफली देख लीजिए कि हाँ ये चीज़ें हैं, हमें इतनी पता है। उसके आगे आपको पढ़ना है तो वो स्ट्रेटजी हम देंगे आपको कि कैसे पढ़ना है। बहुत सारी चीज़ें कि छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, ट्रिक्स क्या है, वो चीज़ें ही उसी में है ही, वो ट्रिक नहीं है। तो आपको उस प्रकार से पढ़ना है जैसा एक शिक्षक पढ़ाता है। यहाँ पढ़ना नहीं है, यहाँ आपको पढ़ाना है, उस पेपर में भी पढ़ाना है बच्चों को। और आप जानते हैं कि नहीं, बच्चे को यही जानता है, जानना चाहता है ना वो कि हाँ बच्चा ऐसा है, आप जानते हैं कि नहीं, इन्होंने ये कहा, आप जानते हैं कि नहीं, ऐसा हो सकता है, आप जानते हैं कि नहीं, हर चीज़ आप उससे जानना चाहता है। तो आप उनको बताइए कि आपको पता है आप शिक्षक बन सकते हैं, आप बिल्कुल बन सकते हैं। कल नहीं बन सकते थे, लेकिन आज से अगर आप मेहनत करेंगे तो आज से ही कन्फर्म है कि आप शिक्षक बन जाएंगे। फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, फिर आपकी नेक्स्ट क्लासेस शुरू होंगी, बहुत सारे टॉपिक्स हैं आपके, एक एक चीज़ें आपको बताई जाएंगी, बहुत सारे वीडियोस पहले से अवेलेबल है तो आप पढ़ सकते हैं, पियाजे वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग वगैरह की सारी वीडियोस आपकी ऐसे ही है फ्री में। तो आप कहीं से पढ़िए भाई, यहीं से नहीं, कहीं से पढ़िए, आप कहीं से पढ़िए, लेकिन पढ़िए। जिम्मेदारी ये है कि आपको पास होना चाहिए, बस ये नहीं कि हमारे चैनल से पढ़िए, मुझसे पढ़िए, किसी से भी पढ़िए, आप फ्री हैं, मेरा नहीं समझ में आता, दूसरे टीचर से पढ़िए, दूसरे का नहीं, तीसरे, तो पढ़िए बस। मेरा ये कहने का मतलब, आप क्वालिफाई होइए, अपनी अपने जीवन को सार्थक करिए एक शिक्षक बन के, और नहीं कहीं आप जा पाते तो एक समाज में एक शिक्षक बनना आपको बहुत ज़रूरी है। तो आप ये चीज़ें करते रहिए और आप ज़रूर सफल होंगे।